जिस राज्य में कभी हम रहा करते थे 2 महीने पहले, और फिर से उस राज्य में जाएंगे, उस घर में जाएंगे, उस गांव में जाएंगे, उस माँ के पास जाएंगे, उस पापा के पास जाएंगे। तो भाई 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 अभी टाइम हो रहा है, अभी 5 बज रहे हैं भाई, और हम यहाँ पहुँच गए थे 2:30 बजे करीब, हाँ 3 बजे करीब, 3 बजे करीब पहुँच गए थे भाई यहाँ पे, 3:30 तक भाई यहाँ तक आ गए थे। भाई फ़ोन था बस 7% चार्ज, बिना फ़ोन चार्ज किए वीडियो भी नहीं बना पाते। अभी जाते हैं पता करते हैं कितने बजे तक ताजमहल खुली रहती है। अगर हमारे पास कम से कम 3 घंटे का टाइम होगा तभी हम टिकट लेंगे। टिकट बोल रहे हैं 45 रुपये का है, लोग बोल रहे थे। अगर हमारे पास तीन घंटे से कम का टाइम होगा, 2.5 घंटे में चलेगा, अगर इससे कम टाइम होगा तो भाई हम टिकट नहीं लेंगे, रुकेंगे यहाँ पर। कल सुबह आराम से 6 बजे उठेंगे, टिकट लेंगे, आराम से देखेंगे, आराम से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा भाई, फिर मुश्किल है भाई। आगे जाकर देखते हैं, ये रास्ता हमारा है, ये शॉर्टकट रास्ता है पैदल जाने का, वो मेन गेट पे लोग सब उधर से आ भी रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। भाई मोबाइल का बैटरी सबसे बड़ी समस्या होगा भाई, गोप्रो होता काश मेरे पास तो कितना अच्छा होता, देखते हैं क्या होता है। हमारे पहुँचते हैं वहाँ पर, हम काफ़ी लोग देख के आ रहे हैं उधर से। भाई ताजमहल तो आ गया, लेकिन ताजमहल जब तक आया तब तक बंद हो चुका था, और हमारा ये लगेज जो है ना इतना बड़ा, हमारे पास टाइम था 3 मिनट का टिकट लेने का, पर हमारे पास टाइम नहीं था लगेज को रखने का। उधर उधर कहीं जाकर लगेज रखते उसका भी अलग से पैसा लगता, तो ऐसा है भाई हमारा बंद कर दिया, बंद कर दिया भाई। देख लो उधर लोग खड़े हैं, कितने लोग हैं टिकट के लिए, कुछ हो नहीं सकता भाई, अभी कुछ नहीं हो सकता, अपना नहीं देखे तो भाई लाइफ अभी बहुत बड़ी लाइफ है अपनी, बाद में फिर देखेंगे। दुख हमारा अंतिम जो सब हमारा अंतिम जो सपना था देखने का ताजमहल, लास्ट मेरा ट्रिप था, वो नहीं देख पाए भाई। चलो कोई नहीं, वृंदावन अपना भगवान श्री कृष्ण की धरती पर से आए हैं, भगवान श्री कृष्ण की धरती को देख के जा रहे हैं भाई, सुकून तो है। पर अब यहाँ आगरा से निकलेंगे, ताजमहल से निकलेंगे भाई, पर आगरा आना कोई बेकार हो गया भाई, निकलते हैं यहाँ से हम। अभी तो शाम हो गया, 6 बजने वाले हैं, अब तो कहीं लौटने का प्रबंध है, सोने का प्रबंध है, देखते हैं कब तक होता है क्या होता है। पूरा कंपाउंड भाई अंदर घुसने का, हमारा बैग के कारण भाई हमारा सब काम खत्म हो गया, तो जहाँ जाओ साला वहाँ बैग का ही प्रॉब्लम है, साला समझ में नहीं आता करे तो करे क्या, बैग है तो भाई बिना बैग का कैसे ट्रेवल करे भाई। जो बंदा 2 महीने से ट्रेवल कर रहा है वो बिना बैग का कैसे रह सकता है भाई, वो भी बड़ा बैग नहीं होगा तो कैसे होगा, वो सब सामान बैग में ही रखता है। ये तो हमारा हनुमान जी बंदर, ये एंट्री गेट है भाई, यहाँ से घुसते हैं अंदर, सब लोग मजे कर रहे होंगे अंदर, हम तो भाई एक बंदा टिकट दे भी रहा था 50, एक बंदा टिकट दे भी रहा था 50 रुपये का, 50 का टिकट था, 50 का दे रहा था, लेकिन मेरा बैग का प्रॉब्लम के कारण हम नहीं घुस पाए भाई हम। चलो भाई कोई नहीं, चलते हैं घर। रेम स्मारक लगभग 22 साल में 2000 को मेहनत करने से बना था, और इसमें लिखा है 73 मीटर ऊँचे ताज में 2 गुंबद है, एक बाहरी और एक आंतरिक। प्रकोष्ठ को समानुपात रूप देने के लिए 24.5 मीटर ऊंचा आंतरिक गुंबद है और एक गुंबद से ढका हुआ है। मीनारे बाहरी बाहर की ओर झुकी है जो ताज को भूकंप जैसी आपदा से बचाती है। स्थानीय लाल पत्थर और मकराना के सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। यह प्रेम चिरस्थायी मतलब प्रेम का प्रतीक है ये ताज महल। बाकी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपका मर्जी हो तो आप पढ़ सकते हो। और यहाँ भी कुछ मेंशन किया हुआ है, ताजमहल के कब्र सॉरी मुमताज महल के कब्र ताजमहल के बीचों बीच स्थित है, यानी कि मुमताज महल का कब्र ताजमहल के बीच में स्थित है, बाकी आप पढ़ सकते हो। भाई आगरा से ताजमहल से भाई लखनऊ का हाईवे जो पटना जाती है वो करीब 7 किलोमीटर का हाईवे है भाई, और हम पैदल चले जा रहे हैं भाई, कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है, अंधेरा है, और हमारे पास कैश पैसे भी नहीं है भाई। ऐसे तो हम ऑटो में बैठेंगे ही नहीं, चाहे टेंट यहीं लगाना पड़े, लेकिन भाई कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है। 3 किलोमीटर पैदल चल रही कम से कम, और अभी चलना है, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं भाई। थक गए यार कसम से यार, चलो कोई नहीं पैदल चलते देखते कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और भाई हम ताजमहल तो नहीं देख पाए क्योंकि भाई फ्राइडे आज है,
कल गए थे, बोले तो यस्टरडे हम थे शाम में, लेट हो गया था जिसके कारण नहीं जा पाए, ताजमहल नहीं घुसने दिया हमको, बैग भी भरा था, बैग के कारण लेट हो गया हमारा। और आज फ्राइडे, अगर आज होता तो आज हम रुक के देख भी लेते, लेकिन आज फ्राइडे है, फ्राइडे को साफ सफाई होता आगरा ताजमहल में, जिसके कारण हमको दर्शन मतलब देखने को नहीं मिलेगा, दर्शन करने को नहीं मिलेगा, ताजमहल के दर्शन करने को हमको नहीं मिला। कोई दिक्कत नहीं, घर निकलते हैं हम, फिर कभी देख लेंगे, जिंदगी बहुत बड़ी यार, फिर कभी देख लेंगे। यहाँ से दिल्ली 212 किलोमीटर है, नोएडा 199, लेकिन हमको जाना नहीं है उधर, हमको जाना है लखनऊ होते हुए पटना, तो आगे से हमको राइट मुड़ना है, करीब 500 मीटर आगे से हमको राइट लेना है, जाना है हमको। अब अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं, आज पहला दिन है घर की तरफ प्रस्थान करने के लिए, देखते हैं कितने दिन में पहुँचते हैं। अभी करीब 830 किलोमीटर की दूरी है, ये इनर रिंग रोड है, ये लखनऊ का हाईवे पकड़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। हमारे पास ट्राईपोड आ चुका है, ट्राईपोड नहीं भाई, ये गेम वाला है, इससे हम जुगाड़ लगाते हैं भाई, गेम खेलने वाला ही रखे थे अपने पास, इससे जुगाड़ लगाते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है, जुगाड़ लगा के देखते हैं कि अगर रिसाइकिलिंग का वीडियो बन जाए, खराब मतलब खराब लिफ्ट मांगे उसका वीडियो बनाना है, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है भाई। रिसाइकिलिंग का स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत वीडियो बन रहा है, ये लिफ्ट विलेज यहाँ से लखनऊ मांगेंगे, उसके बाद पटना, कोई नहीं रोक रहा है भाई, और हमारा गेम वाला काम कर रहा है, और हमारा गेम वाला थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई, ऊपर के ये देखो ये भी आ रहा है भाई, ये गलत बात है यार। लखनऊ यही है, यही रोड, ठीक है, आगरा का भी है आगे से, यही रोड आपको आगरा मिलेगा, यही रोड आपको, हम उधर से ही आ रहे हैं, हमको जाना है लखनऊ, ठीक है, हम लिफ्ट मांग रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं पूरे भारत की यात्रा, ओके ओके ठीक, थैंक यू, यही रास्ता है जी। हाँ ये रोड यही है, आपको सीधे सीधे आगे को सीधे होगा, सीधे कुछ आगे कुछ आगे आप कुछ करो, ठीक है, भाई लिफ्ट नहीं मिल रहा है, मोबाइल को बंद करते हैं अभी।